بسم الله الرحمن الرحيم से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे हमेशा हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेहमान बुजुर्गों में या मेहमान उलमा इकराम और सकालज में जो सबसे पहले खिताब करते हैं, मैं समझता हूँ कि क्योंकि उन्होंने बरतानिया में सबसे पहले, बल्कि जब से आए हैं अपनी अपनी विजन के मुताबिक, लेकिन जब अहले सुन्नत को मुस्बत काम की मजीद ज़रूरत पड़ी, पहले भी उन्होंने मुस्बत काम किया, जब मजीद ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कदम उठाया, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस भी बामकसद और मुस्बत मामूलात के हवाले से है। तो मैं उसी बामकसद और मुस्बत काम करने वाली शख्सियत जिन्होंने, जो मुफस्सर कुरान भी हैं और एक इदारे, एक अजीम इदारे के प्रिंसिपल भी हैं, जो हमेशा हमारी कॉन्फ्रेंस के मेहमान वाला माम है, सबसे पहले उनकी तकरीर होती है क्योंकि उनसे हमें मुस्बत बातें मिलती हैं। मेरी मुराद हजरत अलामा पीरजादा मोहम्मद इमदाद हुसैन साहब, जो प्रिंसिपल हैं जामिया अल करम के, वो आते हैं और अपने ख्याल का इजहार फरमाते हैं। अलामा पीरजादा इमदाद हुसैन साहब, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم واجب التعظيم علماء کرام مشائخ عظام محترم برادران اسلام اور عزیزان گرامی आज की इस अजीम शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं जमात अहले सुन्नत बरतानिया के एक अदना कारकुन से लेकर सरपरस्त आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुर रहमान साहिब दामत बरकातुल आलिया सबको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करता हूं। शायद आप लोग समझते होंगे कि इश्तिहार शाये करने के बाद, अखबार में खबर देने के बाद ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो जाती है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। यहां दर्जनों आदमी, दर्जनों उलमा और मशाइख कई कई हफ्तों रात दिन एक करके काम करते हैं, तो तब सुन्नी कॉन्फ्रेंस वजूद में आती है। ये सिर्फ इश्तिहार से वजूद में नहीं आ जाती। और फिर इस जमात पर मुझे फख्र है, जिस तरह यूरोप के अंदर जामे मस्जिद गमगोल शरीफ को एक मरकजी हैसियत हासिल हो गई है, इसी तरह जमात अहले सुन्नत बरतानिया को भी यूरोप के अंदर एक मरकजी हैसियत हासिल हो चुकी है। ये सूफिया की जमात है और ये क्यों कामयाब है? इसलिए कामयाब है, इनके पास कैंची नहीं है, इनके पास सुई है। कैंची तोड़ती है, सुई जोड़ती है। इन्होंने अकाबिर और नई नस्ल, बुजुर्गों और आने वाली नस्ल को पता कैसे जोड़ा है? कॉन्फ्रेंस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक तरफ अकाबिर की हौसला अफजाई के लिए उर्दू का पैगाम है और नई नस्ल को अहले सुन्नत के अकायद बताने के लिए पूरा सेशन अंग्रेजी में मुकर्रर किया गया। यहां पर मैसेज के तौर पर
मैं एक मुबारक देता हूँ और एक दावत फिक्र देता हूँ। बरतानिया में आने वाली पहली और दूसरी नस्ल, उसको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, जो रोजगार के लिए यहाँ आई मगर खून पसीना की कमाई से हर शहर के अंदर अजीम शान मसाजिद बना दी। ये क्रेडिट जाता है हमारी पहली और दूसरी नस्ल। तीसरी और चौथी नस्ल को मैं ये दावत फिक्र दे रहा हूं, तुम्हारे अकाबिर ने अपने खून पसीना की कमाई से हर शहर के अंदर अजीम शान मसाजिद बना दी है। अब तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम हर बड़ी मस्जिद के साथ एक ग्यारहवीं शरीफ का स्कूल बनाओ और एक मिलाद शरीफ का दारुल उलूम बनाओ। पता है इस वक्त बरतानिया में दारुल उलूम और स्कूल कुल की तादाद कितनी है? 170। 170 स्कूल और दारुल उलूम है जिनमें 30,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। उन 170 में मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे बताऊं हमारे कितने स्कूल और दारुल उलूम है। 170 में हमारी तादाद 5-7 है। मैं दावत फिक्र नई नस्ल को इसीलिए दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि यह सुन्नी कॉन्फ्रेंस रोजे कयामत तक कायम रहे, तो तुम्हें हर मस्जिद के साथ ग्यारहवीं शरीफ का स्कूल और मिलाद शरीफ का दारुलूम बनाना होगा। क्योंकि अपने मसलक को जिंदा रखने के लिए जमात अहले सुन्नत ने इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तर्जमा कुरान के सद साला जश्न को भी शामिल किया है। मैं उनके हुजूर उन्हीं के शेर से नजराना अकीदत पेश करते हुए रुख्सत होता हूँ। करो मदहे अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना। एक अजीम दानिशवर, अजीम आलम दीन, मैं तो उन पर अजीम मुफक्किर कहूंगा, उनके ये अल्फाज जमात अहले सुन्नत के लिए एक एसेट और एक जनाब असासा की हैसियत रखते हैं। और आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप इधर उधर देखने की बजाय अगर आप दारुल उलूम बना रहे हैं, दारुल उलूम भी बनाएं, और जनाब स्कूल बना रहे हैं, स्कूल भी बनाएं, लेकिन साथ साथ जमात अहले सुन्नत के साथ आपका राबता होना चाहिए हर आदमी। क्योंकि यहाँ हमें खाने पीने की आज़ादी है और हमारे अंदर जो सेल्फिशनेस जो है वो ज़्यादा आ गई है कि हम अपने अहबाब के हवाले से कहते हैं मैं किसी के घर से खाना खाता हूँ, मैं अपने घर से खाता हूँ। ये इलादा इलादा प्लेटों ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया है, इस इलादगी ने बहुत नुकसान दिया है। इलादा रहो लेकिन दिल तुम्हारे एक जगह रहने चाहिए और जमात के साथ भरपूर राबता होना चाहिए।